अच्छा है और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आसान है, यानी बहुत ज़्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछा है, ध्यान से समझना। यहाँ देखो, करें द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर, यहाँ देखो टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। कंपोजिशन यानी कि इस बार में मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। आगे ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, यानी कि दोनों कंडीशन में कंपोजिशन ही पूछा जा रहा है, यानी कि एक बार रॉल्ट्स ला का यूज करके काई ये काई भी निकालेंगे और दूसरी बार में डाल्टन्स ला यूज करके काई और काई भी निकालेंगे। देखते हैं कैसे बनेगा ये। जो पहले हम लोग डाटा सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए पी नॉट ए, देखो तो यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना 450 mmHg। पी नॉट बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 700 mmHg। टोटल प्रेशर यानी पीटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 600 mmHg। और आपको किसका वैल्यू निकालने के लिए कर है, काई ए का वैल्यू निकालिए और काई बी का वैल्यू निकालिए। पहले वेपर फेज की जगह लिक्विड फेज का निकाल लेते हैं, यानी कि रॉल्ट्स ला अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स ला, देखना यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स ला देखो तो रॉल्ट्स ला में हम लोग पढ़े हैं पी टी इज इक्वल टू, ठीक है वहीं से बढ़ते हैं, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यही ना। और देखो तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं पी टी वुड बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी लिख सकते हैं। एक स्टेप और बढ़ते हैं, पी टी वुड बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू वन माइनस काई ए। बोलो लिखा जा सकता है, क्योंकि काई ए प्लस काई बी कितने के बराबर होता है, वन। हम लोग चाह रहे हैं कि एक ही डाटा जो है कैलकुलेशन आसान पड़ जाए। पी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 600, यहाँ ये वैल्यू लिख दिया 600। पी नॉट ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ 450 इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी का वैल्यू 700 इंटू वन माइनस काई ए। अगले स्टेप में पी टी इज इक्वल टू कितना था 600, इट इज इक्वल टू 450 इंटू काई ए, ब्रैकेट हटा देते हैं तो प्लस 700 माइनस 700 इंटू काई ए। देखो तो यहाँ 450 है और यहाँ माइनस 700 है, कितना बचेगा माइनस 250, तो 600 वुड बी इक्वल टू 700 माइनस 250 इंटू काई ए। ये माइनस को इधर ले आएंगे तो क्या होगा प्लस, और ये 600 को ले जाएंगे तो माइनस, यानी अगले स्टेप में लिख सकते हैं 250 इंटू काई ए वुड बी इक्वल टू 700 माइनस 600। देखो तो काई ए वुड बी इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा 100 डिवाइडेड बाई 250, यानी वैल्यू कितना आ गया 0.4। बोलो कोई दिक्कत। अब काई भी निकाल लेंगे तो काई भी वुड बी इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस काई ए, यानी 1 माइनस 0.4 इट मीन 0.6। ये वैल्यू निकल गया रॉल्ट्स लॉ के अनुसार से कंपोजिशन इन लिक्विड फेज। अब डाल्टन्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, तो डाल्टन्स लॉ इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी टी इंटू काई ए। तो पहले पी ए और पी बी निकाल लो क्योंकि उसका जरूरत पड़ने वाला है, तो यहाँ पर आगे निकाल लेते हैं। देयरफॉर पी ए, बताओ पी ए का फार्मूला पी नॉट ए इंटू काई ए, पी नॉट ए का वैल्यू 450 और काई ए का वैल्यू अभी निकाले हम लोग 0.4, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 180 mmHg। पी बी इज इक्वल टू क्या रिलेशन है, पी नॉट बी इंटू काई बी, पी नॉट बी का वैल्यू 700,
और काइबी का वैल्यू 0.6, ये आ जाएगा वैल्यू 420 mmHg। तो PA पता है, PB पता है, PT पता है, अब डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इन वेपर फेज डाल्टन्स लॉ शुड बी अप्लाइड, डाल्टन्स लॉ बता तो डाल्टन्स लॉ इज इक्वल टू क्या होता है, PA वुड बी इक्वल टू PT इंटू काई ए, देयरफॉर काई ए वुड बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PA डिवाइडेड बाय PT। PA का वैल्यू अभी निकाले हम लोग कितना 180 और PT का वैल्यू कितना था 600, वैल्यू कितना गया 0. काई ए का, देयरफॉर काई बी वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 minus 0.3, इट मीन 0.7 निकल गया। तो देख रहे हो, तो स्टूडेंट आप फिर कंफ्यूज मत करना, यहां काइए का वैल्यू 0.3 और काइबी का 0.7, जबकि यहां पर काइए का वैल्यू 0.4 और 0.6। कोई पूछे क्यों जी मोल फ्रैक्शन बदल कैसे जाएगा, तो आप बोलोगे कि बदल जाएगा यहां सॉल्यूशन में है रॉल्स लॉ और वहां जो वेपर में कन्वर्ट किया उससे रिलेटेड दिया हुआ है, तो लिक्विड फेज और गैसेस फेज में तो अलग अलग होगा ना, तो वहां जो गैसेस फेज में निकला है वो डाल्टन्स लॉ से और ये जो निकला है वो रॉल्स लॉ से। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान था और बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये बनेगा आपसे, नोट कर लीजिए जल्दी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।